हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और मैं हूं हाजिर एक और वीडियो के साथ जिसका नाम है मुनावर फारूकी वर्सेस UK 07 राइडर बिग बॉस 17। ये वीडियो है ठगेस का और जिन्होंने बड़ी प्यार से रोस्ट किया है बिग बॉस 17 को। तो चलिए देखते हैं कैसा है, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डू चेक इट आउट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओहो, क्या कर रहा है महेश केशवाला AKA ठगेश। किस बात के लिए खुश है होए, इतना? इकाबा इकाबा का वासु छे। नया सेटअप छे। मैं अभी सोच रहा हूँ अच्छा, कितने अपना टाइम सेटअप बाद रोस्ट दिखा रहे वीडियो हैं। बना रहा हूँ ये चैनल पे। क्या होस्ट वीडियो बना बना के रोस्ट वीडियो छूट ही गए। लेकिन जब तक दुनिया में बिग बॉस है तब तक रोस्ट वीडियोस ऑफ रहेंगे। कोर्स, यस, बहुत लोग बोल रहे थे कि ठगेश भाई भी ये सीजन जाएगा बिग बॉस में, लेकिन ठगेश भाई अगर बिग बॉस में जाते तो ठगेश शो कंप्लीट नहीं कर पाते। देखो, या तो आपको ठगेश शो मिल सकता है या तो ठगेश इन बिग बॉस शो मिल सकता है, आपको क्या चाहिए। बट इस सीजन में ओए होए होए, बोलते हैं ना कि आपको अच्छे कंटेंट के लिए वेट करना पड़ता है। जैसे ठगेश शो के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है, ठगेश शो फिनाले आने वाला है, लास्ट एपिसोड आने वाला है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। इसलिए कलर्स वालों ने बिल्कुल भी वेट नहीं करवाया, सीधा दूसरा सीजन लेके आ गए। एंड ये सीजन को बहुत हेट भी मिल रहा है कि मजा नहीं आ रहा है, ये वो वर्स्ट सीजन है आज तक का। देखो, 17वां सीजन है, 17 पे खतरा हमेशा होता ही है, एंड खतरा इस बार भी है बिग बॉस की लेगेसी को। देखो, स्टैंड अप कॉमेडी में एक चीज होता है, लाफ पर मिनट। लाफ मतलब हर मिनट पे लोगों ने कितना लाफ दिया उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कंटेंट कितना अच्छा है। बिग बॉस में वैसा नहीं होता है, बिग बॉस में होता है फाइट पर मिनट, कितना फाइट हुआ उस हिसाब से बिग बॉस अच्छा है कि नहीं डिपेंड करता है। तो लोग मुझे पूछते हैं मैंने बोला देखो भाई, मेरे को तो बिग बॉस ओटीटी पसंद है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को उधर बुलाया था, इसलिए क्योंकि उसमें स्किप करने का ऑप्शन होता है, टीवी पे तो कर भी नहीं सकते। कोई बोलता है भांग का नशा सबसे खतरनाक, कोई बोलता है गांजे का नशा सबसे खतरनाक, कोई बोलता है दारू का नशा सबसे खतरनाक, बट सबसे खतरनाक नशा वो करता है जो नशा करके क्रिएटर्स की कास्टिंग करता है शो के लिए। मतलब पूरे होश में कोई इन सब लोगों को एक साथ क्यों देखना चाहेगा। बट यकीन नहीं हो रहा यार, देखते ही देखते 17 साल हो गए शो को, एंड विनर 17 दिन भी रेलेवेंट नहीं रहते। एंड बिग बॉस ये साल वर्ल्ड कप के साथ आया, एंड दोनों ही गेम में राइवलरी माइंडसेट, अग्रेशन और गेम प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस वर्ल्ड कप में वो सारी चीजें सेंस बनाती है। Stop saying things. You're not even making sense. बट एक अच्छी बात है, बिग बॉस और वर्ल्ड कप क्या क्लैश कर रहे हैं, अब क्या कंटेस्टेंट के घर वाले खुद बहाना दे सकते हैं बिग बॉस ना देखने का। तो मैंने भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फुकरा भाई से पूछा, बिग बॉस में क्या लेके जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जा सकते। उसने बोला सब कुछ लेके जाओ, बस फोन लैपटॉप और दिमाग छोड़ के। बिग बॉस ने इस बार क्लियरली बोल दिया कि वो बायस होंगे। किसी ने बोला नहीं भाई वॉइस ओवर करण जोहर कर रहे, नहीं बट नहीं भी बताते तो हमें समझ ही आता कि बिग बॉस हमेशा थोड़ा बायस भी होता है कुछ लोगों की तरफ। एंड इस बार बिग बॉस का एक एंथम भी आया। जज लोग किसी को फांसी देने से पहले अपना पेन के निब तोड़ देते हैं ना, वैसे इसके राइटर को भी अपनी पेन की निब तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंसान की नहीं बट क्रिएटिविटी और म्यूजिक की मौत हो रही है। इनको देख के ना स्कूल के बच्चों की याद आ गई, जिनको प्रेयर के लिरिक्स याद नहीं रहते लेकिन बेइज्जती ना हो जाए इसलिए बड़बड़ाते रहते। और होस्ट कौन, नन अदर देन सलमान खान है हमारे। यू नो, जब बाकी एक्टर्स को अपनी मूवीज प्रमोट करनी होती है वो रियलिटी शोज में आते हैं, वो बिग बॉस में आते हैं। सलमान भाई अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए बिग बॉस का नया सीजन ही ले आए। अब देखो Tiger 3 हिट कैसे नहीं होती, सबको लग रहा होगा कंटेस्टेंट को हम लोग गेम खेलने आए, असली गेम तो सलमान भाई ने कर दिया उनके साथ। मैंने सुना हर बार सलमान सर की बिग बॉस को लेके बहुत सारी डिमांड्स होती है, बट मैंने सुना इस बार सिर्फ एक ही डिमांड है, एडिटर अच्छा रखना। भाई हमारा भी एडिटर ऐसा ही है, अभी जब मैं तेरे को गाली दे रहा हूँ अगर तूने वो रखा ना तो याद रखना। डरने से क्या फायदा है, एक दिन किसी को सबको मरना। बट अच्छा हुआ Tiger 3 सही टाइम पे आई, Tiger 3 का ट्रेलर देखा चुम्मेश्वरी है। अगर ये नहीं आती ना तो जिस हिसाब से सलमान सर की मूवीज चल रही थी अगले साल उनको ही एज अ कंटेस्टेंट आना पड़ता। अब बात करते हैं हमारे कंटेस्टेंट की, इस साल की स्टार है मुनावर फारूकी। इसके वजह से ही लोग देख रहे हैं बिग बॉस, मुनावर की वजह। विरोध के विरुद्ध लड़ने वाला ये क्रांतिकारी कलाकार हंसी दम पर करता है लोगों के दिलों पर राज। इस बार ये ऐसे बिग बॉस वालों ने एंट्री के लिए कार्ड्स रखे बहुत सारे। बिग बॉस वालों कितना भी कार्ड रख लो एंड में विक्टिम कार्ड ही यूज होता है। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग
अपनी जेब में रखते हैं। मुनावर फारूकी मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट ये सीजन के। कभी कभी मेरे को भाई के लिए बुरा लगता है, भाई एक कॉमेडियन है, एक्टर है, रैपर है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके लिए जाने आते, जेल जाने के लिए। मुनावर फारूकी अगर आपको नहीं पता, पहले असली जेल में थे, फिर लॉकअप में थे, नहीं लॉकअप नामक एक शो में थे कंगना रनौत वाले, जिसको उन्होंने जीता और फिर बिग बॉस में आ गए। मतलब कैद में रहने की इतनी आदत हो गई है। अगली कंटेस्टेंट है मन्नारा चोपड़ा, जिनको मुनावर फारूकी के साथ बहुत ट्राई कर रहे हैं लिंक करने का, बट मन्नारा चोपड़ा एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नेपोटिज्म से कोई भी स्टार बन सकता है। सब नहीं बनते राहुल। अगर आपको नहीं पता मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मन्नारा चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा एंड परिणीति चोपड़ा की सिस्टर है, कजिन है, क्योंकि बिग बॉस में आई है 100% श्योर ज्यादा क्लोज परिणीति से होगी। अपने साथ मत जोड़िए हमको। बस आई होप ये जोक दिल्ली तक ना पहुंचे। जस्ट किडिंग। मन्नारा जी ने 2014 में एक मूवी की थी जिद। व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि इनका करियर भी बहनों से जिद करके टीवी शोज पाने में ही चल रहा है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। अगले आए हमारे एक और यूट्यूबर भाई, UK07 राइडर। वाओ भाई, मजा आ गया। मतलब यूट्यूबर्स को देख के, मतलब इस साल बिग बॉस ने उत्तराखंड के बेस्ट व्लॉगर को बिग बॉस में आने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, सौरव जोशी। तो UK07 राइडर आए घर में, बट बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि यूके भाई बिग बॉस में आएंगे, कंटेंट देंगे, लेकिन अभी मालूम पड़ रहा है असली कंटेंट तो ब्लॉग में ही था। बिकॉज क्या है, बिग बॉस के घर में बाइक और कार तो नहीं लेके जा सकते उनको। यूके भाई की भी अंदर बहुत लफड़े चल रहे, कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। मुनावर के साथ वो बैटल हुआ, फिर मुनावर के साथ हक करके दोनों रोए भी। मतलब क्या बात है, अंदर और बाहर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्या? बाहर भी कॉन्ट्रोवर्सी चलता है, अंदर भी कॉन्ट्रोवर्सी चलता है। यूट्यूबर भाई है, फुल सपोर्ट मुनावर और यूके को। अगले है तहलका भाई। लोग कहते हैं ये भी यूट्यूबर है, लेकिन मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। अब तहलका भाई को लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो बादशाह ऐसा दिखता है, बादशाह की फर्स्ट कॉपी है। ऐसा मत बोलो भाई, बादशाह से अच्छा गाता है। अब आप सोचोगे अरे लुक पे जोक नहीं मार रहा, अभी इसका कंटेंट देखने का हिम्मत तो है नहीं मेरे पास, तो क्या करूं। और अगर आपको नहीं पता तो ये सोशल वर्क वाले वीडियोस बनाते हैं, लोगों को पैसा देना। ये वो जो वरुण पृथ्वी करके छोड़ दिया है वो ये करते, बिग बॉस के घर में जाके भी इन्होंने सोशल वर्क ही किया है। क्या अब लोग इनकी वीडियो नहीं देख पाएंगे ना? ये भी बच गया। अगले इसमें आए हैं नील भट्ट एंड ऐश्वर्या शर्मा। तो ये नील एंड ऐश्वर्या जो है वो कपल है, और बस इतना ही है मेरे पास बोलने के लिए। मतलब और तो कुछ करते है नहीं है। हाँ मतलब इनको एज अ फेविकॉल एड यूज कर सकते हैं, इतना जो चिपकते है। क्या है, लोग जैसे अपन किधर भी पैकिंग को जाते हैं, लोग बिग बॉस के घर में पैकिंग वैकिंग करके आते, कुछ ना कुछ तो अपने घर पे भूल ही जाते। ये लोग अपनी इंडिविजुअलिटी भूल के आए, पर्सनालिटी। अगले इसमें नवीद सोल। हर सीजन बिग बॉस वो एक बंदा आता है ना बिग बॉस में, बट बिग बॉस को ही पता होता है घर में टिकने वाला तो है नहीं, तो नवीद घर का वो इंसान है। I'm Navid Sol, the AKA Sassy Pharmacist, and I'm from the UK, but I was born in Italy. I'm a known TV personality. Mer Hindi Sipa Kataya Kun. How do you say the word love in Hindi? Mohabbat PR Chicken Curry. Accent तो देखो, सबको लगता है नवीद एक fake इंसान है, but I don't think so. सबको लगता है नवीद भाई useless है, but I don't think so. मुझे लगता है वो teacher बन सकता है fake accent सिखाने का। नवीद अगर आपको नहीं पता तो एक मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंसर है और फार्मासिस्ट भी है। एंड फनी बात यह है कि तुम इसके वीडियोस देख लोगे तो तुमको खुद मेंटल इश्यूज हो जाएंगे। मेर हिंदी सिपा खटाया खून। हाउ डू यू से द वर्ड लव इन हिंदी? ये कैसे लोग भी फेमस है। अगले कपल घर में है अंकिता लोखंडे एंड विकी जैन। अंकिता लोखंडे को देख के लग रहा है बिग बॉस में कुछ ज्यादा ही ओवर परफॉर्म कर रही है। अंकिता जी जहाँ परफॉर्म करना है वहाँ कर लेती तो बिग बॉस में नहीं आना पड़ता। Just kidding. बताता हूँ, क्योंकि इतने सालों से अप्रोच कर रहे थे अंकिता को विकी ने बेच दिया मुझे बिक गई मैं, जब विकी को खुद आना था बिग बॉस के अकॉर्डिंग बहुत सालों से अंकिता लोखंडे को अप्रोच कर रहे थे, बट उन्होंने इस साल हाँ बोला। अंकिता से पहले बिग बॉस को मालूम पड़ गया था कि डाउनफॉल आने वाला है। अंकिता और विकी भाई ये सीजन में एज अ कपल आए हैं। मैं कोई जोक नहीं और ये बात बोलने वाली भी नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बता देते हैं, विकी भाई शायद भूल रहे हैं घर में कपल है वो दोनों। मुझे लगा था तू मेरी स्ट्रेंथ पर नहीं है। मैं क्या दिन भर तुम्हें पीछे घूमता रहूं, मैं नहीं कर सकता। बिग बॉस सोच रहे होंगे हमने घर में शादी तो करवाई है, इस बार डिवोर्स भी करवाई देते। और आई है सना रईस खान। एंड आपको नहीं पता तो ये लॉयर है जो आर्यन खान के केस में इन्वॉल्व थी। एंड आई होप इनसे कोई झगड़ा ना करे बिग बॉस के घर में, क्योंकि क्या है बिग बॉस तो 3 महीने चलता है, कोर्ट में केस 30 साल चलते। और मैं ज्यादा बोलूंगा ना इनके बारे में, क्योंकि मेरी डेट पे जाने की उम्र है, तारीख पे जाने की नहीं। नेक्स्ट है इसमें जिग्ना वोरा। जिग्ना वोरा जी मेन लीडर है, क्योंकि उनका एलिगेशन था उनपे कि उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। आई थिंक इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज सलमान भाई से तो पहली बार बिग बॉस के सेट पे मिली।
सबसे बड़ा गुंडा सलमान खान है बिग बॉस का भाई, और कोई नहीं। बोल बोल के थक गया मैं। मतलब जिग्ना जी पे एक टाइप से एक बायोपिक वेब सीरीज भी आई थी अभी रिसेंटली, जो कि उनके बिग बॉस के गेम प्ले से ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। मतलब कोई अपनी बायोपिक से कम इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है। मेरे को बड़ा पसंद नेक्स्ट है अभिषेक एके सिद्धार्थ शुक्ला वनबी। ये इंसान जब देखो तब चीखता ही रहता है। हाँ इंसान कम बीमारी ज्यादा लग रहा है। भाई का इंस्टाग्राम हैंडल है बॉर्न टू शाइन। अरे भाई चेंज करके बॉर्न टू फाइट कर ले, देख के रखते हैं भाई पैदा ही बिग बॉस आने के लिए हुआ है। नेक्स्ट है ईशा मालविया। ईशा जी को मेरे को लगता है शो में सिर्फ ग्लैमर ऐड करने के लिए रखा गया है, एंड आई थिंक वो ये बात भूल गई है, इसलिए डमनेस भी ऐड कर रही है। बिग बॉस भी सोचता होगा अभी वन बट एट व्हाट कॉस्ट। पहले उसने उदारियां छोड़ा, फिर उसने अभिषेक को छोड़ा, फिर घर में आके उसने सेल्फ रिस्पेक्ट भी छोड़ दी, और अचानक भयानक। अरुण भाई का यूट्यूब पे गेमिंग चैनल है, और बिग बॉस में जैसा वो खेल रहे ना ऐसा लग रहा है उनका रिमोट भी मुनावर के हाथ में। इनके अलावा भी बिग बॉस में कुछ लोग हैं, तो उनपे बिग बॉस ही ध्यान नहीं दे रहा है। मैं क्या ध्यान दूं, छोड़ो अगले कभी बात करेंगे। देखो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है बिग बॉस इतना बंडल है इस साल का, इतना बोरिंग जा रहा है ना कि बिग बॉस खुद हाईलाइट देखता होगा पूरे दिन का। हां भाई भगा भगा के दिखा, अच्छा साला हमको बुला लेते। इतना बोरिंग सीजन है कि कलर्स पे आने के बाद भी बेरंग लग रहा है। मेरे को समझ नहीं रहा है इस साल जो क्रिएटर्स बिग बॉस के सीजन में आए क्यों है भाई। यहाँ से इतना कमा नहीं रहे उतना तो तुम पीआर में खर्च कर दोगे। जाते जाते यही बोलूंगा बिग बॉस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ प्लीज भाई। मैंने अपने स्पॉन्सर्स को 5 वीडियो का प्रॉमिस किया है। साले कुत्ते पैसा खा रहे मेरा। क्या बनाऊं मैं, पहले वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूं। आई थिंक जज यू वेरी वेल। सब्सक्राइब से लाइक करो, चैनल बनी हो तो डू सब्सक्राइब, एंड अगर बिग बॉस तो और वीडियोस चाहिए, यूके वर्सेस मुनावर डैश वर्सेस डैश ये वर्सेस वो सब चाहिए, तो आएंगे वीडियोस। और मैं नया सेटअप कैसा लगा वो भी मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ, एंड सेटअप टू वीडियो चाहिए। और अंकिता लोखंडे है, बाकी तो जो उनकी बर्ताव है ना, जो बिहेवियर उनकी दिख रही है उसके अनुसार से वो देखा जाए तो कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि अंकिता और विकी दोनों भूल चुके हैं कि वो शादीशुदा हैं, एक उनका रिश्ता भी है जो बाहर भी चले गए, ये 3 महीने बाद तो बिग बॉस खत्म हो जाएगा, पर ये रिश्ता जन्म तक चलने वाला है। पर नहीं, इन लोगों को डिवोर्स करके ही निकलना है वहां से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।